अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए। महिला दिवस पर ही महिलाओं को सम्मान देना ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह अपनी प्रतिभा से हर जगह अपना परचम लहरा चुकी है। उन्होंने कहा कि पुरुष भी महिलाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ने में बराबर मौका दे। किसानों के आंदोलन पर शैलजा ने कहा कि किसानों का आंदोलन 100 दिन से ज्यादा समय से चल रहा है। सरकार अपनी जीत पर अड़ी है। केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जब 200 लोगों की जान चली जाए तो संवेदनशीलता तो दिखानी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के विरोधी है, इसीलिए किसानों को इन कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई। आज का दिन है जब हम किसी भी इस तरह का दिन जब मनाते हैं तो एक मुद्दे पर विशेष ध्यान रखते हैं। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि एक ही दिन क्यों, किसी भी विषय पर, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन किसी भी विषय पर ये कहा जाता है कि एक ही दिन क्यों, हमेशा क्यों नहीं। और उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी यही कहा जाता है कि एक ही दिन क्यों, महिलाओं के लिए हम बात करें, हमेशा क्यों नहीं। लेकिन एक दिन भी अगर हम देखें, आसपास भी देखें, तो यहाँ केवल एक मुझे महिला नज़र आती है और यहाँ भी एक दिख रही। तो ये असमानता तो है ही, और इसको पूरा करने के लिए हमें कार्यकर्ता करते भी रहना पड़ेगा। कानूनी तौर पर वो उसका केवल एक हिस्सा है, एक पहलू है, लेकिन दूसरी ओर जो एक सोच होती है या सामाजिक रूप से हमें सोचना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, वो बात रहनी चाहिए। तो इस दिवस पर मैं बधाई देने के तौर पर ये कुछ बातें कहना चाहती थी कि इन चीज़ों की ओर हम सब ध्यान दें, आप लोग भी विशेष रूप से ध्यान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि महिलाएं केवल महिलाओं के लिए लड़ती रहें ये भी एक असमानता है। अगर पुरुष भी महिलाओं को जगह देने के लिए सोच बदलें, अग्रसर हों, तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी भलाई होगी और आगे हम बढ़ेंगे आधुनिक जीवन में, आधुनिक दुनिया में, आधुनिक देश में। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।